क्या आप भी परेशान हैं आजकल कफ कोल्ड कोराइजा से होने वाले सिम्टम्स और उनसे होने वाली तकलीफों से? तो इसके लिए कोई कफ सप्रेसेंट्स या कोराइजा सप्रेसेंट्स ना ले। कोराइजा या जिसको हम बलगम बोलते हैं या एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं, एक्चुअल में कोई किसी भी तरह के ये डिजीज नहीं है। ये एक तरह का बॉडी का रिएक्शन है। आपके लंग्स में अगर कुछ जम जाता है, जैसे अभी थोड़ा मौसम ऐसा है तो लंग जो है वो म्यूकस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा पैदा करता है, तो उस एंटीजन को बाहर निकालने के लिए लंग्स को जो है वो म्यूकस डिस्चार्ज बाहर फेंकना पड़ता है। तो आप लोग जैसे विक्स है या कोई भी जिसमें मिंट है या मैंथॉल है, वो चीज़ें ना लें। इससे क्या होएगा कि आपका जो म्यूकस है वो अंदर ही अंदर जम जाएगा, जो चेस्ट को ब्लॉक करेगा, और बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए एक एडवाइजरी ये है कि आप स्टीम लें। स्टीम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस टाइम पे। और दूसरे नंबर पे गर्म पानी लें। गर्म पानी में हनी डाल के लें और ब्लैक सॉल्ट जो है वो वेरी बेनिफिशियल है इस टाइम पे। तो कफ सप्रेसेंट्स, कफ सिरप्स या मैंथॉल सिरप्स, इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। और फिर भी अगर कोई तकलीफ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं, जिसमें इन चीज़ों का बिना कोई साइड इफेक्ट को क्रिएट किए परमानेंट इलाज है। ये होम्योपैथिक दवाइयाँ किसी भी चीज़ को सप्रेस नहीं करती हैं। अगर आपके लंग्स जो हैं वो म्यूकस डिस्चार्ज पैदा कर रहे हैं, तो उस म्यूकस डिस्चार्ज को होम्योपैथिक दवाई कभी भी दबाएगी नहीं, उसकी प्रोडक्शन को कम करेगी। अब प्रोडक्शन कम करने से आपकी तकलीफ जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी उसको रिजिस्ट करेगी, उसको बॉडी जो है वो बाहर निकाल देगी, तब आपकी प्रॉब्लम जो है वो परमानेंटली सॉल्व होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9872471518, 8351060949, और मेरी क्लिनिक है ग्याला रेलवे स्टेशन पठानकोट, द होप होम्यो एंड डाइट क्लिनिक। थैंक यू।